झारखंड से हो बहुत दिक्कत वाली बात है बॉस, और बाहर से हो फिर भी देख लो। तो भाई देखो, आज मैं एक बहुत ही सीरियस इशू के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ही सीरियस इशू है। अगर आप झारखंड से तो फिर तो जरूर से देखना चाहिए ये वीडियो, और बाहर से फिर भी आपको देख लेना चाहिए एक बार ये वीडियो, क्योंकि हो सकता है कि आपके स्टेट में भी ऐसा होता हो। हो सकता नहीं, जरूर होता ही होगा, क्योंकि अभी कोई भी जगह ऐसा बचा नहीं हुआ जहाँ पे ये नहीं होता। तो क्या मैं बात करूँ वो बताता हूँ, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब देखिए, सीआईडी ने, जी हाँ सीआईडी, मैं उस सीआईडी की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप सोच रहे टीवी वाले, उस सीआईडी के नहीं, ओरिजिनल सीआईडी ने, सीआईडी ने अभी एक रिपोर्ट दिया, आज ही रिपोर्ट आया। तो उसके मुताबिक झारखंड में 5 रुपया करके डेटा बिक रहा है, मीन्स वह एक जन का, एक पर्सन का डेटा सिर्फ 5 रुपया, 1 पर्सन 5 रुपया डेटा। आप कीमत समझ रहे हैं, बहुत ही कम कीमत का बात छोड़िए, लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस इशू है झारखंड का। मेनली एक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ही बड़ा इशू है, और जो भी हैकिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे है वो जामतारा में होता है। झारखंड का एक जगह है जामतारा, जहाँ पे इस चीज़ का हब बन चुका है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग, काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पे सीखते हैं साइबर हैकिंग वगैरह, फिर बहुत सारे हैकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ सीखते हैं, और वहीं से बहुत सारे चीज़ कंट्रोल करते हैं। हो सकता है कि बैंक से आपको फ्रॉड कॉल आए, बहुत बार ऐसा होता है, तो वो सारे चीज़ जामतारा से, झारखंड के जामतारा से ऑपरेट किया जा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ है, जैसे आपको फ़ोनपे में वो लोग पैसे भेजने के, मीन्स पैसे भेजने के लिए वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको कॉल किया जाता है कि आप एक्सेप्ट कर दीजिए और पिन डाल दीजिए ताकि आपको पैसे इतना मिल जाएंगे, आपको पैसे भेजा जा रहा है। तो इस टाइप से भी फ्रॉड किया जाता है, जो कि जामतारा से किया जा रहा है। और 5 रुपये के जो डेटा है वो मैं बताता हूँ, आप जैसे कोई भी जेरोक्स के दुकान में जाते हैं, जेरोक्स में आधार कार्ड जेरोक्स करवाते हैं, तो वो लोग बहुत सारे दुकान वाले ऐसा क्या होते हैं कि आपका आधार कार्ड का 2 जेरोक्स कर लेते हैं, एक आपको दे देते हैं, आप एक खुद रख लेते हैं। फिर बैंक में बहुत सारे बैंक भी, मीन्स सारे बैंक नहीं बट बहुत सारे बैंक में होता है कि आपका डेटा वो लोग बेचते हैं, मीन्स 5 रुपये करके एक डेटा, मीन्स आप समझिए, मान लीजिए कि वो लोग 100 लोग के भी डेटा भेजे तो भी उनके 500 एंड 1000 भेज दिए, 2 दिन में 1000 अगर भेज दे तो उतना महीना में नहीं कमा पाएंगे भाई, जितना वो लोग डेटा बेच के कमा लेते। तो इस टाइप का एक बहुत ही सीरियस इशू है। और ऐसे आप देखिए, बहुत जगह नंबर दे देते हैं, लाइक बहुत जगह ऑफर वगैरह चलता है तो आप कूपन में नंबर दे देते हैं, एंड वहाँ पे भी आपका डेटा सोल्ड होता है। तो आप कहीं भी अपना डेटा ना दिया करें, मीन्स कहीं भी जैसे मॉल वगैरह में हुआ तो आप, कोई ऑफर चल रहा तो कूपन में वो आप अपना नंबर, एड्रेस और फिर बहुत सारी चीज़ दे देते हैं, तो वहाँ से आपका डेटा सेल होता है। आप मीन्स अभी रिचार्ज दुकान में अपना नंबर देते हैं, तो अभी रिचार्ज तो ऑनलाइन भी होता है तो कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आप बहुत जगह अपना डेटा शेयर करते हैं, जो कि आपका डेटा सिर्फ 5 रुपये में बिक रहा है। एंड आपका डेटा से क्या क्या नहीं किया जा सकता, हर एक चीज़ किया जा सकता, इनफैक्ट आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है। और सिर्फ बैंक अकाउंट तो छोटा सा चीज़ है, बहुत सारी चीज़ आपके साथ किया जाता है आपके डेटा को लेके। तो इस टाइप से आपका डेटा जो झारखंड में है, झारखंड में मेनली आपका डेटा 5 रुपये में बेचा जा रहा है, जो कि एक बहुत ही सीरियस इशू है। और ऐसे और भी इन्फॉर्मेशन मैं देते रहूँगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और भी वीडियोज़ चाहिए तो।